ओम श्री साई राम। आज हम पटियाला गांव में एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे हमारी ग्रामीण SSSVIP विलेज प्रोग्राम का आयोजन होता है। ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि दिल्ली NCR है उसका भाग है, और हमारे साथ भाई हरिदास जी जुड़े हैं जो बहुत सुचारू रूप से और बहुत आत्मीयता से इस संगठन से जुड़े हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इनको इस संस्था से जुड़ के क्या उपलब्धियाँ और क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं। साई राम, हरिदास जी कैसे हैं आप, कहाँ रहते हैं हरिदास जी? मैं A3 ब्लॉक मोहन गार्डन 15। किस किस व्यवसाय से जुड़े हैं हरिदास जी? और कब से आप इस संस्था से जुड़े हैं? ये संस्था जुड़े हुए मेरे को हो गया 2009 से आप जुड़े हैं तो अच्छा, काफी समय हो गया आपको। अच्छा, आपकी बिटिया जो है हमारे यहाँ ग्रामीण बालिका क्लास में आती हैं, आपको कैसा लगता है जब वो क्लास से अपने घर वापस आती है? बहुत शांतिपूर्वक घर में भी रहना और यहाँ से जाने के बाद तो बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्वक घर में, घर का माहौल जब बदल ही गया जब जी, जी जी जी। और आपने क्या क्या महसूस किया क्लास में जब ये जाती हैं, तो घर आने के बाद आपसे क्या बात करती हैं क्लास के बारे में? क्लास के बारे में, यहाँ के बारे में, साइंस प्रोटीन वगैरह मिलते हैं और पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि सब पूछते हैं, सर थोड़ा सख्ती से पूछते हैं जी जी कि तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई से ही जीवन उज्जवल हो सकता है। और कोई भजन संगीत भी सिखाया जाता है वहाँ? हाँ हाँ, भजन संगीत भी जी जी, व्यायाम भी सिखाया जाता है, व्यायाम भी सिखाया जाता है जी जी जी। और जब बिटिया की जो जो शिक्षा है उसमें आपने कोई फर्क देखा जब वो पढ़ के जाती है तब में और अब में, कोई आपको फर्क महसूस? हाँ जी, बहुत ही फर्क ना, इधर उधर घूमना फिरना सारा बंद है जी, काम में ही लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के ही काम में लगे रहते जी, हैं जी, जी, जी। जो पहले और बच्चे हमारा इधर उधर घूमते हैं सब बंद हो गया सर। ओम श्री साई राम। हमारे साथ भाग दो में कुछ बहनें भी जुड़ी हैं जिनकी बच्चियां हमारे SSSVIP प्रोग्राम में बहुत सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। बहन साई राम, आपका क्या शुभ नाम? मेरा तारा देवी नाम। अच्छा, तो तारा देवी जी, ये बताइए आप कब से संस्था से बिटिया कब से जुड़ी हुई है? अच्छा, और इसने वहाँ पे जाके क्या कुछ सीखा और किस तरीके की आपने इसमें जो है तब्दीली पाई इसके व्यवहार में और इसके आचरण में? जब से जाने लगी पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई अच्छी हो गई। हाँ। अच्छा, और संसार भी अच्छा है, जाने जाने वो कहीं फॉलो नहीं। हाँ, श्लोक वगैरह सीख के आई है कुछ? हाँ। वहाँ से। अच्छा, तो घर में भी भाई बहनों को कुछ बताती है कि ये किया करो, ये श्लोक बोला करो? बताती है। अच्छा, साफ सफाई के बारे में बताती है घर में? हाँ, बताती है बाहर। अच्छा अच्छा, और आपको क्या लगता है अंदर से कि कैसा इसका जो पहले जो इसके पढ़ाई में जो इसके अंक आते थे और अब जब बालिका क्लास करके आती है, जो पढ़ के आती है, उसके बाद इसके अब वो जो दोनों अंकों में आपने कोई स्कूल में कोई देखा परिवर्तन? अच्छा आती है पढ़ लेके। अच्छा अच्छा पढ़ जाती है? हाँ। अच्छा, पहले से अच्छा पढ़ जाती है अब? पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और भाई बहनों को भी बता दी होगी कुछ? हाँ, भाई बहनों को। हाँ, उनके लिए भी एक ये मार्गदर्शक है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बिटिया आपका? मेरा नाम काजल। काजल है आपका नाम। अच्छा, कौन सी आपको विषय सबसे अच्छा लगता है बाल विकास क्लास में? सबसे अच्छा विषय इंग्लिश लगता है। इंग्लिश लगता है? और मैंने सुना है आप लोगों को तो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए भी बोला जाता है रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे और गांधी जयंती पे भी आप लोग बहुत कुछ अलग हट के कार्यक्रम करते हैं, कैसा लगता है उन कार्यक्रमों में आपको भाग लेकर? मुझे बहुत
अच्छा लगता है जब मैं वो चीज़ें बनाती हूँ। मैं जब बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन चीज़ों को अपने मन से बनाती हूँ, किसी देख के नहीं बनाती, अपने दिमाग में चित्र लाती हूँ और उसी को अपने उसमें उतारती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको भजन वगैरह और गायन भी सिखाया जाता है? हाँ। अच्छा, अब वो कैसा लगता है आपको? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी हॉबी है कि मैं सिंगिंग करती हूँ। हमारे साथ बहन रजनी जुड़ी हैं जो कि अपनी सुपुत्री बिंदु को हमारी ग्रामीण बालिका क्लास में भेजती हैं। आइए जाने उनसे कि उन्हें इस कार्यक्रम से जुड़ के क्या लाभ हासिल हुआ। सायरा बहन, आपको क्या लगता है ये जो हम कार्यक्रम चलाते हैं बाल विकास क्लास का, ये आपको कैसा लगता है? मतलब इसमें बच्चे के लिए आपने क्या देखा, इसको क्या लाभ मिला उससे? व्यवहार में कुछ परिवर्तन है? यहीं से सीखा है सब कुछ उसने। अच्छा, गुरु, बाल विकास गुरु ही इसके मार्गदर्शक हैं। अच्छा, और बिटिया कौन सी क्लास में हो आप? 11th में हो आप। अच्छा, तो आप यहाँ पे पढ़ाते भी होंगे गुरुओं के साथ, कैसा लगता है? यहाँ पे जो बाल विकास गुरु हैं उनसे आपको क्या सीखने को मिला? उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मैंने अपने स्कूल में टीचर से भी नहीं सीखा, जो वहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती है उससे हट के चीज़ें यहाँ पे उससे अलग। अच्छा, और कभी आपको ऐसा लगा कि मैं टेलरिंग क्लास सीखूँ या मैं कोई कंप्यूटर की क्लास सीखूं? हाँ, या हाँ, कंप्यूटर कोर्स करना बहुत पसंद। आपको पसंद है? अच्छा, हम करवाएंगे, आप करेंगे कंप्यूटर कोर्स? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और आपको जो ये साई प्रोटीन से आपको क्या फ़ायदा हुआ? साई प्रोटीन से पहले हम जैसे हमें ना थके से लगता था, पर उसको खाने के बाद हमें चुस्ती आई, काम अच्छे से करने लगे, आपका ध्यान लगने लगा कामों में। हमने देखा कि हमारी दो बहनें, इनके घर में भी सत्य साई संगठन का दीपक जलाया और इन्होंने किस तरह से इसे अपने जीवन में आत्मसात किया और उस प्रकाश से अपने घर को दीप्तिमान किया। ओम श्री साईं राम।